स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम सभी AU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में BA कोर्स के इतिहास का पार्ट 3 समझेंगे। और आज का हमारा टॉपिक इतिहास में जो है वो ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। तो इस वीडियो में आपको ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे, जो कि आपके AU एंट्रेंस एग्ज़ाम BA प्रवेश परीक्षा के लिए, जो BA का प्रवेश परीक्षा देंगे उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है कि ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था, मतलब ऋग वैदिक काल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देवता कौन था, यहाँ पर ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी इंद्र एंड ऑप्शन डी वरुण। तो जो इंद्र हैं ये ऋग वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। फिर से सुन लो, इंद्र जो हैं ऋग वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। अब आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पर जो दिख रहा है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी सरस्वती एंड ऑप्शन डी सिंधु। तो इन सभी प्रश्नों और सभी ऑप्शनों में से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है सरस्वती, यह ऋग्वेद में जितनी नदियाँ उल्लेखित थी उन सभी नदियों में सबसे पवित्र नदी मानी गई थी, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो गंगा हमारी सबसे पवित्र नदी है, लेकिन ऋग्वेद में देखा जाए तो किसको सबसे पवित्र नदी माना गया था? सरस्वती। चलिए अब चलेंगे आगे। अब हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न जो दिख रहा है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए गाय की, ऑप्शन बी वृक्ष की, ऑप्शन सी माता की एंड ऑप्शन डी प्रकृति की। तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो प्रकृति अर्थात नेचर की पूजा करते थे, यह बात आप सभी लोग ध्यान देंगे। मंडन नंबर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए पुरोहित, ऑप्शन बी शूद्र, ऑप्शन सी सेनानी एंड ऑप्शन डी सोमरस। तो 10वें मंडल में सबसे पहली बार किसका उल्लेख मिलता है? ये शूद्र। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, इन प्रश्नों को याद जरूर रखें। चलेंगे अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 5 है वो आपका लिखा है गायत्री मंत्र। आप सभी को गायत्री मंत्र याद ही होगा। आप सभी विद्यार्थियों को मैं यहाँ पर गायत्री मंत्र पर एक बात बताऊँगा कि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है, यदि इसे नियमित रूप से समय से और शांत वातावरण में 5 से 10 मिनट तक अगर इस मंत्र को बोला जाए तो आपके एकाग्रचित्त में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी और आपके जो मतलब आपका दिमाग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से तीव्र हो जाएगा। ये बात मेरी आप माने और आप इसे कम से कम 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल कीजिए। वैसे भी आप सभी का एंट्रेंस एग्ज़ाम आ रहा है तो आप इस मंत्र को फॉलो करें, आपका फ़ायदा ज़रूर होगा, ये 101% सही बात है। चलिए अब देखते हैं क्या लिखा है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी अथर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद एंड ऑप्शन डी सामवेद। तो जो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है, याद रखिएगा गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया। नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनकी भाषा क्या थी? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी संस्कृत,
ऑप्शन सी पाली एंड ऑप्शन डी जो है आपका प्राकृत। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी भाषा जो है ऋग्वैदिक आर्यों की थी? तो आप जानते हैं संस्कृत काफ़ी प्राचीन भाषा है, तो जाहिर सी बात है हमारे हिंदुस्तान में आर्यों की भाषा भी संस्कृत ही रही होगी, तो जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलेंगे अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा सातवां प्रश्न और आठवां प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सातवें प्रश्न में लिखा गया है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी अथर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद एंड ऑप्शन डी सामवेद। तो यहाँ जो है इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऋग्वेद। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, यह बात आप सभी लोग याद रखेंगे। नंबर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। लिखा है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, तो ऐसा कौन सा वेद है? तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका यजुर्वेद है, इस वेद की रचना गद्य में भी की गई है और पद्य में भी की गई है, ये बात भी आप सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे अब हम लोग। प्रश्न संख्या 9 हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अब इस प्रश्न को भी हम देखते हैं क्या लिखा है। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी विदथ, ऑप्शन डी परिषद। तो ये आपका जो सभा है ये ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था थी। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था, मतलब किससे हम विनिमय को मतलब कि वहाँ सुचारू रूप से चलाते थे, ऋग्वैदिक काल में यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन ए हमारे पास है भूमि, ऑप्शन बी हमारे पास है मुद्रा, ऑप्शन सी हमारे पास है दास एंड ऑप्शन डी हमारे पास है गाय। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है? तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक काल में जो है विनिमय का माध्यम क्या हुआ करता था, गाय हुआ करता था, ये बात आप सभी लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आपका ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, गाय। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारे पास अगला प्रश्न आया है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था, उत्तर वैदिक काल में हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा था, इसमें आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी प्रजापति एंड ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका लिखा है शिव। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है? तो ये ऑप्शन नंबर सी प्रजापति इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा एंड ऑप्शन डी चांदी। तो आप सभी लोगों को पता है कि कांसा तांबा चांदी के बारे में हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता उसी में पढ़ लिए थे। तो यहाँ पर जो खोज किया गया होगा उत्तर वैदिक काल में वो कौन सा होगा, लोहा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार पधारे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।